नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजपत्रित छुट्टी की घोषणा की गई थी, लेकिन सीबीएसई विद्यालयों के संगठन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश पर विद्यालय खोले रखना भारी पड़ सकता है। राजधानी में 23 जनवरी को उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध विद्यालय खोलने की सूचना एनएसयूआई को मिली और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने इसका विरोध करते हुए डीपीएस स्कूल गेट पर धरना प्रदर्शन कर स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह का कहना है कि जब सरकार ने अवकाश की घोषणा कर दी तो क्या सीबीएसई विद्यालयों के संगठन और उनके प्रमुख राम सिंह सरकार के खिलाफ काम करेंगे? यह सरकार विरोधी कार्य है। अगर उन्होंने ये फैसला वापस नहीं लिया और स्कूल बंद नहीं किया तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। पूरे झारखंड में अवकाश की घोषणा की गई है, लेकिन जैसा कल हम लोग को पता चला, सीबीएसई स्कूल के एसोसिएशनों ने बैठक की और सभी सीबीएसई स्कूलों को खोलने का आदेश दे दिया। और सीबीएसई एसोसिएशन के जो प्रमुख है राम सिंह, उन्होंने अपना भी स्कूल खोल के रखा है, साथ ही साथ और भी सीबीएसई स्कूल खुले हुए हैं। तो क्या ये सरकार के खिलाफ जाके स्कूल खोल रहे हैं? क्या ये सरकार विरोधी है ये लोग? हम लोग ऐसे एनएसयूआई यहाँ पे आज बैठी हुई है, विरोध कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और हम लोग की यही मांग है कि अभी जो स्कूल खुले हुए हैं, स्कूल को बंद करें तत्काल में, अन्यथा हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे। सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।